रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय बाद दी जो बाइडेन को जीत की बधाई। बधाई संदेश में पुतिन ने कहा, हम बाइडेन की जीत के औपचारिक ऐलान का कर रहे थे इंतजार। रूस और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का एक साथ करेंगे निपटारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने का न्योता कबूल किया। अपनी जीत और यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद बोरिस जॉनसन का पहला भारत दौरा होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार संबंध मजबूत करने के दिए संकेत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से डोमिनिक रॉब ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रूस के इश बुलदिनो के एक रिटायरमेंट होम में आग लगने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 15 लोग मौजूद थे। 57 से 80 साल की उम्र के 11 लोगों के शव निकाले गए। प्रशासन करेगा लापरवाही की जांच। नागोर्नो काराबाख में युद्ध के दौरान कैद आर्मेनिया के 4 सैनिकों को अजरबैजान ने इकरार के बाद रिहा कर दिया। आर्मेनिया से युद्ध के दौरान पकड़े गए अजरबैजान के सभी आम लोगों को छोड़ने पर भी बन गई सहमति। अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कोरोना वायरस को लेकर बड़ा दावा। यूवी एलईडी रेडिएशन से आसानी से मर जाते हैं कोरोना के वायरस। दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक। दुनिया में 7,33,00,000 के पार कोरोना हुआ। महामारी में अब तक 16,30,000 से ज्यादा की मौत। 5,14,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। हांगकांग के नेता कैरी लाम ने कोरोना से निपटने के लिए तैयार किया मेगा प्लान। हांगकांग में ठप पड़े व्यवसायों को खोलने के लिए लाम ने किया आर्थिक सहयोग का आह्वान। जापान की स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रॉइड को लेकर किया बड़ा खुलासा। एस्ट्रॉइड की सतह से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ढूंढा सिलिका युक्त मिट्टी और गैस का बड़ा भंडार। रियो डी जेनेरियो में सांता का नया अवतार शार्क और तमाम जलीय प्रजातियों के साथ तैराकी करते दिखे सांता। मरीन एक्वेरियम से सांता ने खुशियां बांटने और कोरोना का पालन किया।